हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10, ये आपको गिवन है। और जो ये आपको x दे रखा है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। देखो कॉसेक स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो मेरे पास क्या होती है, यहाँ पर वो होती है मेरे पास 2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक 30 की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2 स्क्वायर ऐसी है, माइनस 3/4 टेन 30 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/√3 स्क्वायर ऐसी है, इज इक्वल्स टू में 10 ऐसे ही चल रहा है। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू में 3/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 इंटू में 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 10 ऐसी है। ये आपस में कट हो गए, यहाँ पर आपके पास 8 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 10 − 8 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास x, 3x/4 माइनस यहाँ पर 1/4 बचा, बेस सेम है तो इसको एक ही बार लिख दिया, 3x − 1 आ गया, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 4 यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 4 × 2 = 8, 3x = 1, यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया 9, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 3। आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, क्लियर। तो ये था हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन। डेली बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, क्लास 10th से रिलेटेड ही दूंगी, रैंडमली किसी भी चैप्टर का जो कि इम्पॉर्टेंट होगा और आपको आने चाहिए वो क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।